भी उठाऊं और हाथ में भी नहीं धोया है और सवेरे सवेरे कैमरा पकड़ दिया दोस्तों। भाई इसके पीछे भी एक राज है। सीधे मतलब मेरे घर से सीधे मतलब एक पेड़ है और उस पेड़ में जंगली मधुमक्खियों ने मतलब जो है कि कल से भाई छत्ता बना रखा है और इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना दोस्तों। मुझे लगा यार ये हाथ में तो बाद में धोऊंगा, पहले उनको एक बार दिखाई देता हूँ। और आप भी देखिए भाई जो ये जंगली मधुमक्खियाँ होती है ना कितनी खतरनाक होती हैं और भाई लाखों में है मतलब ये मान के चलिए आप। तो मिलाए फिर आपको। यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो चलते हैं फिर, मेरे को तो डर भी लग रही है यार, अगर काटेंगे तो फिर हो गया। सो गाइज अब हम चलते हैं जहाँ पर उन्होंने छत्ता बना रखा है। तो ये खेत में हम आए और धीरे धीरे जाना पड़ेगा दोस्तों हमने, वरना एक काट भी सकते हैं। बहुत ही खतरनाक टाइप के हैं। यहाँ से जाते हैं हम एक खेत होते हुए, इस खेत से होते हुए पहुँचेंगे हम उनके छत्ते में। यही वाला पेड़ है देख सकते हैं आप, जिसमें भाई मधुमक्खियों ने बना रखा है छत्ता। मुझे लगता है कल शाम के टाइम में आई है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा छत्ता है। ओह माय गॉड दोस्तों, सांप तो दिख नहीं रहा होगा कि भाई काफ़ी ऊपर है वो, बट ये है ना जो ये वाला है छत्ता देख सकते हैं दोस्तों आप। ये दिखता कुछ इस तरह से है, ये रहा। ओ भाई साहब वाकई बहुत बड़ा है यार, यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक इसकी लंबाई है और जो हंगी है ना पेड़ की उसको पूरा इन्होंने घेर रखा है दोस्तों। ओह माय गॉड आपने कितनी ज़बरदस्त मक्खियाँ भाई यहाँ पर। डर भी लग रहा है क्योंकि एक आध मधुमक्खी भाई झुंडी से उड़ के भी आ रही है, कहीं काट ला ले। ये वाला पेड़ है देख सकते हैं आप सामने, और यहाँ पर ये रही मधुमक्खियाँ। तो भाई इससे पहले कि ये उनको गुस्सा आ जाए हम निकलते हैं आगे धीरे धीरे, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं भाई। ना ही लिया फिर अब, और आजकल इसलिए जो है कि भाई सवेरे नींद नहीं खुल पा रही है क्योंकि काम हो जा रहा है कुछ ज़्यादा ही, वीडियो एडिटिंग में लग जाता है अच्छा खासा समय, फिर सवेरे जल्दी भी उठना पड़ता है अपलोडिंग के लिए। तो उस वजह से दोस्तों सवेरे जो है कि एकदम से उठा नहीं जाता है यार, आँखें नहीं खुलती है, थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपको एक ऐसे अनचाहे मेहमान से मिलवाता हूँ, हमने तो उसको आमंत्रण पत्र दिया ही नहीं था, फिर भी कल रात वो घर में आ चुका था और जो है कि वो तो गनीमत रही कि बच्चों की नज़र उस पर पड़ गई और हमारी मम्मी ने जो है भाई माता जी ने उसको जो है कि पकड़ा और डब्बे में बंद करके रख दिया। तो मैंने सोचा कि भाई अपने दर्शकों को भी दिखाया जाए इसलिए रखा है, उसके बाद फिर हम उसको छोड़ देंगे खेत में छोड़ देंगे, अपना चले जाएगा वो जहाँ से आया था। तो भाई कुछ डर तो लगेगी और डरने के लिए हो जाइए आप तैयार।
सो गाइस, अब आप भी डरने के लिए तैयार हो जाएं भाई, क्योंकि डर तो लगेगी लगेगी, मेरे को पता है भाई साहब। मैं ही डर गया था जिसमें मम्मी ने पकड़ी, मतलब वो, मतलब एक पल के लिए तो लगा यार अब ये कहीं हाथ वाथ में काट ना ले, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे उसको डब्बे में मतलब कैद कर ही लिया। और डब्बे में कैद करने के बाद दोस्तों मतलब सीधे मेरे को बुलाया, और फिर मैं अपने कमरे में लेके आया उसको, और मैंने उसको रख दिया। और देखो मतलब इत्तेफाक से ऐसा वो बन गया, मतलब मेल जिसे कहते हैं ना, आपको मैंने आज एक तो दिखा दी मधुमक्खियाँ, ठीक है ना, मधुमक्खियों का छत्ता भी दिखा दिया, और अब दिखाता हूँ मैं आपको मकड़ी, यानी कि मौ से मधुमक्खी और मौ से मकड़ी। भाई ये भी एक इंसिडेंट बन गया और गजब का इत्तेफाक बन गया दोस्तों। तो देख लो भाई कितनी बड़ी मकड़ी आपने पकड़ी। कहा था मकड़ी देखकर बहुत डर लगी थी। किसने पकड़ी थी वो? दादी ने पकड़ी थी। फिर दादी ने पकड़ के मेरे को दी थी। बाप जी, तो देखा क्या पहले किसने? तो क्या क्या मतलब कैसे देखा, मतलब अचानक से नजर पड़ी या कहाँ पर थी वो मकड़ी? वो फिर दादी को बताया आपने? क्या बताया दादी को? हाँ, वहाँ पर मकड़ी है, एक जपलिया पकड़ती, फिर आपको दिया था। बाप जी, अच्छा तो अब दिखा दें हम अपने दर्शकों को भी। डरेंगे तो नहीं हमारे दर्शक? डर जाएंगे। गाइस देख ही सकते हो भाई कितनी बड़ी मकड़ी हमने पकड़ी है। बाप जी, मैं आप लोगों को करीब से दिखाता हूँ, जो इसके दांत हैं ना दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। अच्छा आप मानोगे, ये डब्बे में बंद है, देख ही सकते हैं आप, ढक्कन लगा रखा है इसमें, टाइट से मसाले का डब्बा है ये। बट फिर भी मेरे को हाँ लग रहा है कहीं यार ये स्पाइडर मैन ना बन जाए इसके अंदर ही अंदर। क्यों बच्चों? देख ही सकते हैं दोस्तों आप। ओ भाई साहब कितनी बड़ी मकड़ी है यार, मानना पड़ेगा। दोस्तों मैं सही बताऊं तो आपको, ये जहरीली भी हो सकती है यार, हो सकती है क्या, होगी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से देख सकते हैं आप इसका जो साइज है, ओ माय गॉड, क्या ही बताऊं। लो बच्चों पकड़ो तो इस डब्बे को, नहीं तो अभी तो बंद है। तो देख देख सकते हैं दोस्तों आप इसका जो साइज है यार, भाई साहब क्या ही बताऊं मैं। बच्चों डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं। देखा भाई गाइस, आप देख ही सकते हैं भाई इसका जो साइज है, क्या ही बताऊं यार, देखकर वाकई डर लगता है यार, देख सकते हैं आप। ओह माय गॉड, भाई साहब ये बंदे है बट मेरे को फिर भी डर लग रही है दोस्त, आप देख ही सकते हैं। अब सवाल ये पैदा उठता है कि दोस्तों इतनी बड़ी मकड़ी आखिर घर के अंदर घुस कैसे गई, ये भी एक सवाल है। मुझे तो यही लगता है कि ये जो मकड़ी है भाई, ये मकड़ी कहीं खेत वेत से चल के आई होगी। क्यों अंगू लगता है तुम्हें ऐसा? खेत से चल के आई होगी ये मकड़ी, क्योंकि यार मतलब अभी है बरसात का टाइम। क्यों भाई क्या कह सकते, बरसात का टाइम है इसी वजह से आई होगी खेत से। तो गाइज आप भी जो है कि सतर्क रहिए, क्योंकि अगर जैसे खेतों में जैसे घर होते हैं तो भाई खेत के रास्ते, क्योंकि खेतों के बिल में जो होते हैं ना गड्ढे नहीं होते हैं, बिल बने तो होते हैं, वहाँ से ही आपके घर तक पहुँच सकती है, और ये जहरीली भी होती है दोस्तों। हमने तो भाई देख ली, बच्चों की नज़र पड़ गई थी, तो इस वजह से हमने इसको बंद कर दिया है डब्बे में। तो आप भी ज़रा सतर्क रहिए, क्योंकि चौमास का टाइम है, भूड़ भाड़ ज़्यादा ही हो रहता है, तो साफ़ सफाई का भी ध्यान दें, और जो घर के कोने होते हैं ना उसमें मकड़ी के जाले एकत्रित नहीं होने दें, जमा नहीं होने दें, तो ये चीज़ें जो है कि अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ऑल का ऑप्शन जरूर दबाना। तो मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।